जी, मैं मानता हूँ कि आदिवासी समाज जो हमारे भाई बहन हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य और सोशल जस्टिस में बहुत आगे अपनी खुद की जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि वो समाज जो आज जो हो रहा है देश में, जो उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, मैं आज एक मैसेज लेकर आया हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग हैं आदिवासी समाज के साथ, और हम उनको आगे जो भी उनके तकलीफें हैं हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी सर भरूच को लेकर? देखिए, भरूच में आप लोकसभा की सेंटर से बात कर रहे हैं, ये तो हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अभी इंडिया अलायंस की बात भी अभी चल रही है और मैं मानता हूँ वो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि इंडिया अलायंस रहे और एक मजबूत ऑपोजिशन की तरफ के थ्रू अभी सरकार से लड़े। और भरूच डिस्ट्रिक्ट की बात है, ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी। सर नहीं बोले सर, आपने तो उम्मीदवार जाहिर कर दिया है, तो वो अलायंस होगी तो क्या होगा? देखिए, अलायंस अगर होगी तो ये अलायंस मिलके दोनों अलायंस पार्टनर्स तय करेंगे कि भरूच डिस्ट्रिक्ट का कौन कार्यकर्ता होगा या डिस्ट्रिक्ट और कैंडिडेट होगा। तो हूँ लड़ी लाइन अहमद और फैजल पहला आया थे, तो उम्मीदवार आप कैंडिडेट है, कैंडिडेट है आप? जी, ये बात तो मैं तो भरूच डिस्ट्रिक्ट के लिए सालों से काम करते आ रहा हूँ। मेरे लेट पिताश्री अहमद पटेल जी मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रखते थे, लेकिन मैंने हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल जस्टिस में सालों से यहाँ काम किया, सालों से काम किया है और ये मैं काम करते ही रहूँगा। ये मेरा मानना है कि एक भरूच के नागरिक होके हम सबको एक आवाज़ ऑपोजिशन की अच्छी बननी चाहिए। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है बिल्कुल, मैं तो लोगों को समाज के लिए काम बहुत सालों से करते आ रहा हूँ और करते ही रहूँगा। तो भरूच लोकसभा के कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें, लेकिन दूसरी आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, छत्रसावा को देखिए, जो कैंडिडेट जिसकी तरफ से जो हैं वो जाहिर है उनकी सोच है। हम कांग्रेस भरूच डिस्ट्रिक्ट के लिए सालों से काम करते आ रहे हैं और हम काम करते ही रहेंगे।